नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जी हाँ, आईआरबी के लेकर फाइनल रिजल्ट को लेकर के इंतज़ार कर रहे थे, जी आज इंतज़ार ख़त्म हो गया। देखिए, फाइनल रिजल्ट आ गया आईआरबी का, फाइनल रिजल्ट ऑफ आईआरबी 2017। देखिए, हम लोग जल्दी देखते हैं किसका किसका क्या हुआ है सिलेक्शन। ये फाइनल रिजल्ट है आईआरबी का, जी हाँ। ये देखिए डॉक्यूमेंट, मेरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाला गया है, और देखिए ये आ गया इंडियन रीजन बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 15 फरवरी को निकाला गया रिजल्ट। देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या इतना आलोक में दिनांक 3/12/2017 10/17 OMR आधारित इंडियन रिजर्व बटालियन का सामान्य आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा 2017 झारखंड पुलिस के अंतर्गत इंडियन रिजर्व बटालियन का आरक्षी पद पुरुष एवं महिला अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध कोटिवार अनुक्रमांक परीक्षा फल निम्नवत घोषित किया गया। देख लीजिए, मिला लें अपना जनरल के लिए, ये है जनरल के लिए टोटल, ये 116 पेज तक दिया हुआ है। इसमें मैच करते जाएँ अपना रोल नंबर, और वेबसाइट में दिया हुआ है आपका ये सारा डिटेल, आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं, या तो भी यहीं से एक एक करके मैच कर लें। आप मैच करना चाहें तो मैच कर सकते हैं। मैं एक एक रिजल्ट दिखा देता हूँ। 16 पेज में रिजल्ट जारी किया गया है। देखिए, इसमें कुल 954 लिया गया है, जनरल से सिर्फ 954 लिया गया है। जी हाँ, लिखा हुआ देखिए, जनरल से कुछ 954 लिया गया है, और अनुसूचित जनजाति पुरुष में जो लिया गया है, देखते हैं कितना लिया गया है अनुसूचित जनजाति में पुरुषों को। जनरल में 954 लिया गया पुरुषों के लिए, और ये देखिए ये कुल लिया है 483 पुरुष में, 483 लिया है अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति पुरुष में देख लेते हैं कितना लिया है, ये कुल 182 लिया है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी लिया पुरुषों के लिए। आइए देखते हैं कितना लिया है, कुल 161 लिया है, और पिछड़ा वर्ग दो में BC2 में जो पुरुषों को लिया गया है, इसमें कुल 100 लिया है। और अनारक्षित महिला के लिए देखिए कितना लिया है, जो जनरल महिला के लिए है उनके लिए लिया गया है, देख लेते हैं कुल, देखिए 470 लिया है, कुल 470 लिया है। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए जो लिया गया है, इसमें कुल 238 लिया है, और अनुसूचित जाति में महिला के लिए जो लिया है ये कुल 90 लिया है, और अनुसूचित देखिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में लिया है जो BC1 में आते हैं वो महिला के लिए लिया गया है 78, और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग दो में जो है उनकी महिला के लिए लिया गया है टोटल 49। इस तरह देखिए, और नोट यहाँ पढ़ें, थोड़ा ध्यान दें इसको, कि पुरुष वर्ग के 3 एवं महिला वर्ग के 2 अभ्यर्थियों का परीक्षा फल लंबित कर रखा गया है। देखिए, 2 पुरुष वर्ग के 3 एवं महिला वर्ग के 2 अभ्यर्थियों का परीक्षा फल लंबित रखा गया है, इसका नहीं निकाला गया है नॉट। अभी नॉर्मलाइजेशन प्राप्तांक एवं कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का नॉर्मलाइजेशन प्राप्तांक आयोग वेबसाइट इतना jack.nic.in पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन कितना कितना हुआ है, किससे किसका कितना नंबर आया है, सबको फिर से अलग से डेट निकाला जाएगा उसका। और नोट यहाँ लिखा गया है कि बीना कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स में माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा पारित अंतिम आदेश से परीक्षा फल प्रभावित होगा। अंतिम आदेश बीना कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड गवर्नमेंट एंड अदर मान्य उच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम आदेश द्वारा परीक्षा फल प्रभावित होगा। और नॉर्मलाइजेशन का जो है, आप लोगों को कुछ दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना कितना आया है नंबर, नॉर्मलाइजेशन आने ही वाला है कुछ दिन में। और आइए हम लोग, और एक और न्यूज़ आया है इस आईआरबी को लेकर के, किसका किसका जो कैंडिडेचर रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है, वो भी मैं आपको अगला वीडियो में बता दूंगा। हम लोग उसी अगला वीडियो में वही बनाने वाला हूँ कि किसका किसका कैंडिडेचर रद्द किया गया और कैंसिल किया गया, चेंज किया गया है कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोगों का आ गया परीक्षा फल, अपना मैच कर सकते हैं। धन्यवाद।